इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रमोशन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे विधि छात्रों के साथ पुलिस की जमकर झड़प हुई। पुलिस ने 8 छात्रों को हिरासत में ले लिया है। विधि के छात्र परीक्षा न कराकर प्रमोशन के माध्यम से अगली कक्षा में प्रवेश करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर वो कई दिनों से आंदोलनरत हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी दशा में छात्रों को प्रमोट नहीं किया जाएगा, उन्हें परीक्षा देनी ही होगी। बावजूद इसके छात्र अपनी मांग को लेकर अड़े रहे। आंदोलनरत छात्रों की पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस ने 8 छात्रों को हिरासत में ले लिया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय KLLB प्रथम एवं चौथे सेमेस्टर के छात्र इस बात को लेकर आक्रोश में हैं कि LLB की पढ़ाई अभी 2 महीने भी नहीं हुआ है और अब परीक्षा कराने की बात की जा रही है, जिसको लेकर छात्र लगातार आंदोलनरत हैं। छात्रों का कहना है कि COVID-19 की वजह से सत्र काफी पिछड़ चुका है। 6 माह का सेमेस्टर होता है और 1 माह के कक्षाओं के आधार पर परीक्षा आयोजित की जा रही है। साथ ही 23 दिसंबर को क्लैट का भी आयोजन होना है और इसमें शामिल होने के लिए 5वें सेमेस्टर की मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी। छात्रों का कहना है कि अगर इसी रफ्तार से सत्र का संचालन किया गया तो क्लैट में शामिल नहीं हो सकेंगे। इस वजह से छात्र प्रमोशन की मांग कर रहे हैं। वही BALLLB पहले एवं चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं भी जुलाई के पहले सप्ताह से शुरू होने वाली है। सत्र अभी काफी पीछे चल रहा है, पढ़ाई ना के बराबर हुई है। छात्रों की मांग है कि 7 जुलाई से प्रस्तावित LLB प्रथम एवं चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं स्थगित कर उन्हें प्रमोट किया जाए। साथ ही जुलाई के पहले सप्ताह से 2वें एवं 5वें सेमेस्टर की कक्षाओं का संचालन शुरू करा दिया जाए। उनका कहना है कि कोविड के कारण सत्र काफी पिछड़ चुका है। 6 माह का सेमेस्टर होता है और 1 माह की कक्षाओं के आधार पर परीक्षा आयोजित की जा रही है। साथ ही 23 दिसंबर को क्लैट का आयोजन होना है। इसमें शामिल होने के लिए 5वें सेमेस्टर की मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी। छात्रों का कहना है कि अगर इसी रफ्तार से सत्र का संचालन किया गया तो क्लैट में भी शामिल नहीं हो सकेंगे। इसी वजह से छात्र प्रमोशन की मांग कर रहे हैं। Guys,